हेलो डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आज दी वीडियो विच आज दी वीडियो लेसन दे विच असी कवर करन जा रहे हैं जिहड़ी तुहाडी फर्स्ट पोईम आ क्लास नाइनथ लई, ओपन थी आई सी थी गॉड, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई है। सो अज दे वीडियो लेसन दे विच असी करांगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स बेटा इस पोईम दे। मैं तुहानू यह भी दस दिया कि इस पोइम के बाकी जिहड़ा एक सेंट्रल आइडिया आउंदा हुंदा आपां नूं स्टैंजे आउंदे हुंदे आ कंप्रीहेंड करन लई, उहदे ते मैं वक्री वीडियो बनाई हुई है जिहदा तुहानू लिंक आई बटन ते दे दिता जाऊगा। तुसीं उत्थों जाके उस पोइम नूं उत्थों देख सकते हो, सेंट्रल आइडिया कर सकते हो, स्टैंजा समझ सकते हो, ते इस तरीके नाल तुसीं अपना सारा जिहड़ा काम है इस पोइम नाल रिलेटिड कवर अप कर सकते हो। ओके, सो करते हैं स्टार्ट। आप हूँ इस पोईम रिलेटड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ने उंझ तो कितने लिखे हुए नहीं मिल रहे, ना तो कितने सिलेबस मैनशन ने, ना ही थोड़ी गाइड कितने कोई मैनशन ने। हाँ, डिपार्टमेंट वालों आए हुए ने बख बख टाइम्स से, मैं उन्होंने सेव कर लेनी हूँ। सो हूँ आप वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। इस तो पहला कि आप क्वेश्चन रीड करिए, थोड़ा जहा पोईम बारे देखिए। वेयर गॉड इज़ एवरीवेयर सो प्रे एनीवेयर, मीनस की है परमात्मा हर थान हाजिर आ, सो इसलिए कोई जरूरी नहीं कि जो तुसी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे जाके ही प्रेयर करनी है, तुसी किते भी किसी भी समय उस परमात्मा नू याद कर सकते हो। गॉड इज़ नॉट टू बी फाउंड इन द टैंपल्स और इन अ पैलेस, परमात्मा जिहड़ा ना मंदिरां च लभदा ना वह महलों च मिलता। ट्राई टू फाइंड विद इन, उन्हों अपने अंदरों खोजन की कोशिश करो। ये जड़िया मैं थोड़ी दो पिक्चर्स दिखाई ने जो आप डिस्कस की ने, इसलिए कि पोईम का सार तत् इन शामिल है। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी जिन्होंने पोईम लिखी है बेटा, उन्होंने इस पोईम के मूर्ति पूजा का की किया खंडन किया या आलोचना की है। वह कहते हैं कि मूर्ति पूजा करने परमात्मा नहीं लभ्या जा सकता, जेडे पूजा वाले स्थान ने परमात्मा उत्थे ही नहीं वसदा, परमात्मा तो मजदूरों में जोड़े धुप्प च पसीना बस होंगे ने उन्होंने वसदा है। सो तुसी उन्होंने जाके काम करो। मुक्ति की गल की भी मुक्ति भी जोड़े आप रीति रिवाज धूप बालते हैं चेंटिंग करते हैं वो कल मुक्ति नहीं मिलने लगी, ठीक है। सो ये साड़ी पोईम ओपन थी आईस। हूँ देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, पहला फिल द ब्लैंक्स ने, ये डिपार्टमेंट वालों ही आई हुई ने बेटा। अकॉर्डिंग टू द पोइट वी शुड लीव, पोइट के अनुसार सानू की छड्ड देना चाहिए, प्रश्न ये है। हुण सानू ऑप्शनस की दित्ती हुई ने, चैंटिंग, सिंगिंग, टैलिंग ऑफ वीड्स, ऑल द अबव। हाँ जी, कहिंदे सानू चैंटिंग करनी छड्ड देनी है, सिंगिंग असीं भगती वाले गीत गा रहे हैं, टैलिंग वीड्स माला फेरी जा रहे हैं। सो आंसर की है, सानू सारी चीज़ें छड्ड देनी चाहिए ने, इस नाल परमात्मा नहीं मिलता। आंसर है डी, ऑल द अबव। सैकेंड क्वेश्चन आ, वेयर कैन गॉड बी फाउंड एज पर दिस पोईम, मीन की मतलब आ, इस पोईम के अनुसार सानू परमात्मा कित्थे लभूगा। हुण सानू ऑप्शनस की दित्तियां हुई ने, वेयर टिलर इज टिलिंग लैंड, वेयर पाथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन्स, बोथ ऑफ द अबव मैनशनड प्लेसिस एंड नन ऑफ दीज। ओके, सानू उत्थे पोईम दे विच कि जिक्र किया गया, पहले ए वाले का भी गल जिक्र किया गया, बी वाले का भी। सो सी इहदा आंसर आ, बोथ ऑफ द अबव मैनशन प्लेसिस। ओके, हो गया थर्ड क्वेश्चन वल। इफ वी वांट टू फाइंड गॉड, जे असीं परमात्मा नूं पाउणा चाहुंदे हां तां फिर सानू की करना पऊगा, की ऑप्शनस ने साडे कोल। वी शुड गो टू टैंपल, सानू मंदिर जाना पऊ। वी शुड गो एंड वर्क विद द पुअर्स, सानू गरीबां नाल जाके काम करना पऊ। वी शुड सिंग सोंग, सानू गीत गाने पैणगे, नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं करना पऊ। सो इत्थे उन्होंने की कहा, आपां सिर्फ इत्थे पोईम नू लै के चल रहे हैं, पोईम दे अकॉर्डिंग ही आंसर देना। बी आंसर इहदा, वी शुड गो एंड वर्क विद द पुअर्स, सानू गरीबां नाल जाके काम करना चाहिए, सानू परमात्मा उत्थों ही मिलूगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आ, वट डज डिलीवरेंस मीनस, डिलीवरेंस हुंदा मुक्ति, कहिंदे मुक्ति का की मतलब है इत्थे इस पोईम दे विच। हुण सानू ऑप्शनस की दित्तियां होईयां ने, अ फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डैथ, स्लेवरी, फाइंडिंग गॉड, नन ऑफ दीज। सो इत्थे फ्रीडम का मतलब इस पोईम दे रिलेटिंग आपां गल कर रहे हैं, फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डैथ, जन्म मौत तों दे गेड़ तों मुक्ति, तो छुटकारा ही मुक्ति है। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव, अकॉर्डिंग टू पोईम गॉड हैज़ आल्सो डिफिकल्ट योर वर्क,
ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਜੋਬ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਦੀ ਗਿਵਿੰਗ ਫਰੀਡਮ ਟੂ ਆਲ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਜੋਬ ਆ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਸ ਪੋਇਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਬਟਨ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ ਬੇਟਾ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੁੱਟ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬਾਏ ਫੋਰ ਨਾਓ